देख रहे हो पकार टीवी ते आज खड़े जिला गुरदासपुर के कस्बा गालड़ी विखे ते रिक्का उही पुराना गुरद्वारा टाली साहब नू लैके सब नू पता के पिछले 4.5 साल तो जिहड़ा रिसीवर लग्या होया ते इत्थे बहुत सारिया जिहड़े ग्रुप ने अपने अपनिया दावेदारियां प्रधानगी जगांदे ने पर इलाके दे जिहड़े सोशल वर्कर वी ते इलाके दी संगत जिहड़ी इकट्ठी होई आ ते इन्हां ने अज एक मीटिंग दे रूप विच बहुत सारे नौजवान वी इकट्ठे होए ने इलाके भर तों। फिर जी की मकसद जी अज दी मीटिंग लैके? जी अज दी मीटिंग दा मुख मकसद जो गुरद्वारा टाली साहब दी कमेटी दी चोण नूं लैके ही आ कि पिछले 4 साल दे बाद इत्थे कोई भी कमेटी पूर्ण तौर ते भर नहीं पाई और रिसीवर लग्या आ। कह सकदे आ कि साडे इलाके दी संगत दे विच इक कमी आ कि जिहड़े लागे सागे दे पिंड वी आ जिहड़े इकट्ठे हो के इक कमेटी दी चोण नहीं कर पाए और अज सारे ही गुरदासपुर इलाके के नेड़े दे वख-वख पिंडां तों मोहतवर सज्जन सूझवान नौजवान बजुर्ग इकट्ठे होए ने और जिन्हां ने एक गुरमता कीता आ भी हुण जो संगती रूप दे विच टाली साहब कमेटी की चोण की जाऊगी क्योंकि अजे तक जी आपां मन्नीए कि गुरद्वारा साहब सरकार की गुलामी कह सकते हैं भी जी कमेटी आ गुलामी झेल रही है कि असी कोई भी आप संगती रूप दे विच इत्थे फैसला नहीं लै सकते। तो सो अगला जो प्रोग्राम उलीकिया सारे इलाके नूं असी एक गुहार लाने उन्हां नूं अपील करते हैं कि आओ अपने गुरु घर की कमेटी दे विच आप तुसी संगत उत्थे बैठ के कामकाज करे सेवावां निभावे। 13 तरीक नूं सवेरे पूरे 10 बजे असी सारे इलाके की संगत नूं बेनती करते हैं सब तो वध अपील करते हैं जिहड़े नेड़े दे पिंड आ कि वह जरूर वड्डे पद्धर ते पहुँचो टाली साहब इकत्रता करो उत्थे संगती रूप दे विच इक मीटिंग की जाऊगी और उत्थे गुरमता पास करके चोण कमेटी दी की जाऊगी। तो जे इहदे विच कोई सियासी धिर अड़चण भरन की कोशिश करेगी जां पुरानी कमेटी कोई सियासी शह दे हेठ उहनां दी पावर वरतण की कोशिश करे तो फिर असी यह जिहड़ा भी मुद्दा लैके ये डीसी SDM कोल नहीं जावांगे सीधा अपने अकाल तख्त साहब के उत्ते जाके गल करांगे क्योंकि साड़ी जिहड़ी सरमोह अदालत आ सिख धर्म की वह अकाल तख्त साहब आ ते असी ये जो कानूनी अदारे हैगे उन्हां कोल नहीं जावांगे अपने फैसला जो भी होएगा वह अकाल तख्त साहब के जहेदार जी कोल जाके करांगे। की लगता है कि जिहड़ी SDM प्रबंध करी जां सरकार इत्थे प्रबंध चला रही है उस तो चंगा कि श्रोमणी कमेटी प्रबंध चलाए इहनू बेटर समझदे हो? जी बिल्कुल जी घट्टो घट सानू यह तना महसूस होगा कि असी इत्थे गुलाम आ अज साढ़े ते थोपे जा रहे ने जो भी सरकारी अदारे हैगे ने और जेकर SGPC इहदे प्रबंध चलावे तो वह घट्टो घट जिहड़ी भी चोण होंदी आ इलाके की होंदी आ जां उहदे विच नुमाइंदे चुने जाते हैं जिहड़े भी मैंबर आ उही प्रबंधां विच शामिल होंदे ने तो वह सारा इलाके की संगत दे सुझाव दे नाल ही चलदा है इस करके उन्हां दे प्रबंध ज़्यादा वधिया आ बजाय इन्हां दे जिहड़े SDM जां DC साहब की जिहड़ी विच नोक चोक होंदी आ इन्हां दे नालों। सो कह रहे हैं कि जिहड़ा सरकार प्रबंधक कर रही है वो तो बेटर है कि साड़ी सरमौर जिहड़ी संस्था श्रोमणी कमेटी आ उन्हूं प्रबंध दिता जाएगा तो बड़े वधिया विचार ने इन्हां दे तुसीं की कहना चाहोगे जी? असीं गुरद्वारा टाली साहब वास्ते जिहड़ी इकत्रता हुई आ इहदे विच इहो ही संगत ने फैसला किया भी संगत बहुत उतावली आ क्योंकि काफ़ी लंबे समय तो इत्थे सरकारी कब्जा चल रहा आपां इहनूं कब्जा ही कहांगे सरकार का कब्जा चल रहा कुछ कु बंदियां दी शह ते मौके दियां सरकारां जिहड़ियां ने उह इह जिहड़ा कब्जा उहनूं बरकरार रखण वास्ते कुछ जिहड़े लोक ने उह सरकारां दे नेड़े चल जांदे आ उह गुरद्वारा साहिब च कोई कमेटी नहीं बण दिंदे करके सारी संगत जिहड़ी आ उह तावली आ भी जल्दी तो जल्दी जिहड़ी इत्थे कमेटी बणाई जावे। 13 तरीक दा जो 13 नवंबर दा दिन रख्या उह 10 बजे दा टाइम आ गुरद्वारा साहिब बहुत तगड़ा इकट्ठ होएगा संगती रूप विच ही इत्थे कमेटी चुनी जाऊगी तो सारी संगत की सलाह नाल ही चुनी जाऊगी जिहड़े सेवादार होणगे गुरु घर की सेवा जिहड़ी वधिया ढंग नाल जिहड़े चलाउणगे। मेरी प्रशासन नूं बेनती आ जिहड़े लोग प्रशासन की मदद लैंदे आ गुरु घर वास्ते उहनां दी सरकार बिल्कुल मदद ना करे संगत नूं अपने जिहड़ी उह कमेटी आ सेवादार चुणदा जिहड़ा उह दित्ता जावे इहदे विच प्रशासन बहुत ही दखलअंदाजी ना करे। सो बहुत सारिया दावेदारियां जिहड़ियां ने जताई जा रही ने घट्टो घट कह लईए 4-5 प्रधान जिहड़े ने अपने आप चो गुरद्वारे की प्रधानगी समझ। सो बापू जी बहुत सारे जिहड़े प्रधान ने दावेदारी कर रहे ने उन्हां प्रधान नूं कोई बेनती करना चाहोगे कि यह संगती रूप में आके इत्थे बैठ के सारा जिहड़ा मसला हल हो जाए? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। प्यारी साध सिंह जी वो जो पिछले प्रधान एक प्रधान सरदार सुलखन सिंह असीं मिले हाँ जिहड़े केस किया हो
उस लक्षण बिल्कुल तैयार है भी कमेटी बन जाए मैं पिछे हट जाऊँगा। दूसरे जो डुगरी प्रधान है वह भी कोई प्रधान नहीं क्योंकि उसने कब्जा किया हुआ है। दूसरा जो गया से शमशेर सिंह इतने दखलदारी करता पिंड सेखे से प्रधान बनाता ही उन्होंने संगत ने प्रवान नहीं किया। असं चाहते हैं समूह ला के संगत कट्ठी हो जिस तरह वीर ने फैसला किया अच्छ गुरमेदार भी 13 नवंबर में गुरुद्वारा टाहली साहब सारे इलाके के गुरसिख वीर वो तो वह कट्ठे होने इलाके वालों किसी बिना किसी विरोध कमेटी इलाका चुनेगा जिहड़े भी वीर जुड़े सेवा करना चाहते जी सानू कोई इतराज़ नहीं होगा। गुरसिख सेवा करने वाले होने चाहिए ने 13 तरीक नूं जो 4.5 साल तो सरकारी रिसीवर लगा हुआ है इलाका निवासी नहीं चाहते कि सरकारी प्रबंध थले नहीं चाहते इलाका निवासी इलाके की कमेटी बन के गुरुदास का प्रबंध करना चाहती है संगत। इस करके समूह इलाका निवासियों ने बेनती की जाती है कि 13 नवंबर गुरुद्वारा टाहली साहब के हाजरियां अपन पाउन तो आपो अपनी सेवा करने वाले वीर नाल लिखाउन। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। की कहना चाहोगे जी? मैं तो बस यो कहूँगा भी जिहड़े मेरे वीर ने अज फैसला ले रहा भी 13 नवंबर नूं कमेटी जिहड़ी आ उह बननी चाहीदी आ ते मेरी समूह संगत इलाके दी नूं बेनती आ भी वध चढ़ के जिहड़े आ उह टाहली साहब पहुँचण 10 वजे ना तां जो कमेटी बनन विच समां जिहड़ा वा लम्मा ना पए ते 13 तरीक नूं जिहड़ी कमेटी आ उह वधिया तरीके नाल बन सके। तो मेरी लास्ट यो बेनती है भी जिड़े कोई भी धिर जरा वा सियासी लैवल से जोड़ा भी दबाव पाना चाहता जहले जे काबज ने जवे दावेदारी रखते हैं उन्होंने मेरी बेनती है भी छोड़ो यारो गुरु घर की कमेटी बन दौ नुकसान नहीं होना चाहिए गुरु घर का। तो इन्ना कुछ कह वाहगुरु जी का खालसा वाहू। की कहना चाहोगे जी अज की जी कमेटी लैके अज जो फैसला साढ़े साध संघ ने गुरुद्वारे साहब च लिया बहुत वधिया शलाघा योग है। मैं इन्होंने बिल्कुल सहमत है खास करके मैं थोड़ी बेनती करांगा भी जिहड़े साडे इलाके दे नौजवान वीर ने इन्हां नूं जरूर अगे लाया जाए। इन्नी मेरी बेनती। सो जी जिहड़े वीर जी गल करदे पे सी भी जे कमेटी दा रिक्का खत्म नहीं हुंदा ते आपां श्रोमणी कमेटी जहदार नूं मिलांगे, की विचार ने इस बारे की जे गुरद्वारा श्रोमणी कमेटी अधीन आंदा ते की फायदा होएगा इलाके नूं? फायदा तो यह कि जेडे गैर सिख ज रिसीवर लगे वा वो संगत आ कि जे श्रोमणी कमेटी भी दखलदाजी करके वह कर दी है तो संगत दे नाल ही सहयोग नाल ही कमेटी बनाएगी वो अपने तौर पर नहीं क्योंकि ज्यादा हैड ग्रंथी साहब इतने हाजरी भरन गए जो श्रोमणी अकाल तख्त साहब पेश होंने आप जाके ना कोई उन्होंने नुमाइंदा है वह भी कमेटी के उदर बैठेगा कि उन्होंने भी हद बनता उन्होंने हक बनता कि गुरुद्वारे साहब साड़ी सेवा करने का तो वह सू जो बहुत ज़्यादा फायदा है लाभ है कि उन्होंने भी सू सहयोग की लड़ आ। सो बहुत वधिया विचार सी वक्रे वक्रे जिहड़े विचार अपनियां संगतां दे रहियां सी। भाई सुचा सिंह जी की कहना चाहोगे अज दी मीटिंग नूं लैके? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आ संगत ने फैसला लिया ये शलाघा योग है कि उहदे विच संगत ने यह भी कहा कि जो राजनीतिक पार्टी प्रशासन का इस्तेमाल करेगी उसका वोटां दे टाइम ये इलाका पूरा विरोध करेगा उन्हां दा कोई बूथ नहीं लाएगा। सो ये कह रहे थे कि असी प्रशासन ज सियासी किसी आगू ने इंटरफेयर नहीं कर देवे। सो सारे अपने अपने विचार कर रहे तो देख सी पकार टीवी कैमरामैन दलवीर बुरा बलजिंदर पकार अपन दी अपन लिए।